ब्रॉडकास्ट माइक और गेमिंग वोकल्स मतलब शॉर्ट गानों के लिए बहुत परफेक्ट माइक है गाइस। आप चल तो रहा है ना, रेडी टेक वन। हे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं आपका दोस्त और होस्ट गौरव आज एक लेके आया हूँ एक नए वीडियो, और उसका टाइटल है मतलब नॉर्मली ब्रॉडकास्ट माइक है मेरे पास पड़ा हुआ बहुत टाइम से, तो उसकी बस मैं सोचा था अनबॉक्सिंग करूँ, पर मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसकी अनबॉक्सिंग करूँ, तो मैंने सोचा आज अभी क्यों ना हम इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो चलिए उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं वो क्या है। ये रहा वो, अनबॉक्स करेंगे हम इसको। आप देख सकते हैं इसको ऐसे जैसे स्टिकर में दिखाया ऐसे दिखेगा आपको बाद में। अब देखिए तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने अभी अनबॉक्स करेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कैसा है और किस किस चीज़ में यूज़ आएगा ये। बेसिकली हम कंडेंसर माइक दूसरा यूज़ ले सकते थे, मगर इसको क्यों ऑर्डर किया और क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो चलिए आज इसके बारे में बात करेंगे और इसको अनबॉक्स करेंगे। चलिए तो गाइस ये है वो माइक जिसकी मैं बात कर रहा था, तो चलिए अब इसको खोल कर देखते हैं कि कैसा है वो। तो इसकी हम पहली लुक देखते हैं। ओके वाओ, मतलब पूरा फॉर्म में इसको पैकेजिंग दी है, और एक इसका पॉप फिल्टर दे रखा है गाइस, और एक ये माइक के लिए ऊपर दूसरा पॉप फिल्टर, आपकी मर्जी कोई सा भी लगाइए। इसके साथ हमें एक कार्ड मिला है, इसमें इन्होंने कुछ बातें लिखी हुई है, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, और मतलब ऐसी बहुत सी बात है। आप बात करता हूँ मैं, तो अगर आप देख सकते हैं, अरे फोकस नहीं है, हाँ तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि स्टॉप करके, बाकी कुछ खास नहीं है, बस मैं एक साल की 6 महीने की वारंटी मिल जाती है मेरे पास। और देखते हैं इसके नीचे क्या है, तो स्टार्टिंग की गाइस। तो ये रहा इसके नीचे का सेटअप, ये इसको एक लगाने के लिए एक स्टैंड बार है, इसको हम लगाते हैं। इसको पूरा सेटअप करके अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे लगता है। और इसके साथ देखिए, आपने देखा होगा माइक प्रोफेशनल के पास रहते हैं पूरे, वैसी फील आएगी पूरी गाइस, इसको वैसी बिल्कुल। तो चलिए अब इसको हम अभी लगाएंगे और इसको लगा के देखेंगे कैसे एडजस्टेबल होगा। इसके साथ जो हमें लगाना है नीचे से वो ये है, इसको हम किसी जगह पे बेड के कोने पे या टेबल के पास लगा के इसको स्क्रू करेंगे हम इससे, लाइक ऑफ टाइट है क्या ऐसे, और फिर इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो चलिए सर इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसका देख हमें केबल मिली है, शायद इसलिए मैं कंडेंसर माइक लेता हूँ गाइस, क्योंकि ये सीधा जो केबल है वो सीधा हम अपने लैपटॉप से यहाँ से अटैच कर सकते हैं इससे, ताकि हमें एक अलग से वो लेना पड़े। ब्रॉडकास्ट माइक और गेमिंग वोकल्स मतलब शॉर्ट गानों के लिए बहुत परफेक्ट माइक है गाइस। आप पक्का इसको एक बार देखिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और बाकी आपकी मर्जी है। तो फाइनल चीज़ देखते हैं गाइस, माइक क्या पैकिंग नीचिंग है इसकी, पैकेजिंग अच्छी है इसकी गाइस, और काफ़ी अच्छा माइक है। ओके तो ये रहा वो माइक, ओपन निकालेंगे ले लेंगे। तो ये रहा वो माइक गाइस। ओके तो अब इसको हम पूरा लगा के देखते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है और इसकी साउंड कैसी है, और जो मैंने माइक लगा रखा है अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, और इसकी ये देखेंगे कितना फर्क है। चलिए तो ओके दोस्तों, अब हम लगाते हैं अपने माइक, और मुझे कोई घर पर ऐसे सही जगह नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि ना बैठ का ये तो कोना है यहाँ पर ही, कितना एक्सपेरिमेंट करें और आपको दिखा दें। वैसे तो मैं कहीं पर भी लगा लेता हूँ इसको, पर कोई नहीं आपको दिखाने के लिए। चलिए तो पहली चीज़ लेते हैं हम उसको।
ओके तो हमें पहले ये लगाना है इसको, इसको हम कैसे लगाएंगे आप देखिए और थोड़ा जूम करके बताते हैं। ओके तो ये तीसरी बार है जो मुझे जगह बदलनी पड़ रही है तो अभी इस छोटे से मतलब माइक के लिए। ये मैं इसको लगाता हूं। मैंने इसको यहाँ फिट कर लिया है। आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए तो बताइए, अभी तो मेंट में कर दो। ओके मैंने ये पीछे लगा दिया है तो इसको मैंने एडजस्ट किया है और ज़्यादा देखिएगा ना, अगर आपको देखना है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ऐसे, क्योंकि आप चले जाओ। इसको मैंने एडजस्ट किया है ठीक है, और मैं यहाँ एडजस्ट हो गया। अब नेक्स्ट लगाते हैं इसका ऊपर आगे का पार्ट, तो ये है इसका एक पार्ट आगे का, आपने देखा होगा। इसको हम लगाएंगे, अब इसको यहाँ से अटैच करेंगे, फिर आगे वाला ये माइक लगेगा। आप देख सकते कितना सही लगता है, अच्छी बात नहीं है, कहीं भी जा सकता है, एडजस्टेबल है, काफ़ी अच्छा है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट क्या है। तो फिर ये है नेक्स्ट पार्ट जो दिख रहा होगा आपको, तो ये है इसका नेक्स्ट पार्ट। तो आप देख सकते हैं इसको हम इस पर लगाते हैं। तो ओके मैंने इसको अच्छी तरह लगा दिया है ठीक है गाइस। अभी मैंने इसको दोस्तों इसको हमने पूरी अच्छी तरह लगा लिया, अभी हिलेगा नहीं, मतलब लाल तो नहीं हिल रहा, आगे भी नहीं हिले, क्या पता। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लगाएंगे अपना माइक। ये है वो ब्यूटीफुल माइक जो आप देख सकते हैं, मैंने बहुत बहुत इंतज़ार किया आपका। चलिए तो अब इनको करना क्या है, आपको ये जो दो क्लिप्स हैं इनको पकड़ के आपको इसके अंदर माइक इंसर्ट कर देना है। ओके तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आप ध्यान रखिए कि जिस साइड ये मोनो लिखा होगा वॉइस उसी साइड आएगी, जैसे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो ये इस साइड आएगी, ये आपको आगे पता लग जाएगा। ये थोड़ा नीचे जा रहा है, अब इसको हम एडजस्ट कर देते हैं आपको। तो ये अभी एडजस्टमेंट हो गया है, काफ़ी बिना सपोर्ट दिए, देखिएगा मैंने कोई सपोर्ट नहीं दिया यहाँ पर, आप देख सकते हैं या सोचे कि आगे बनाता है कुछ नहीं है, जैसा है जेन्युइन है सब कुछ है, मैं जो है वो सही रिव्यू दूंगा और अच्छा दूंगा। ये इसकी आखिरी ये टेप है जो आगे में ये जो ये है ये भी बहुत काम की है, कि इसे आप ऐसी साइड में रखिएगा और फिर अपनी वायर को ऐसे करके इसको नीचे इस साइड से, ये जो आपको इस साइड दिख रही है इस साइड से आपको प्लग इन करना है इसमें, तो ये मैंने यहाँ से प्लग इन कर दी। सो कूल ही, अब बैलेंस हो चुका है, तो अब हम इसको अपना वॉइस टेस्ट करेंगे, पर करेंगे कैसे। ओ एक चीज़ तो बोल ही गए हम, जो इसकी शान और शौकत बढ़ा दे। ओके तो ये इसका पॉप फिल्टर है, इसको देख कर ऐसी रील आती है भाई, यो कर दूँ मैं रैप, दिन रात कर दूँ रैप, तेरे पीछे कर दूँ रैप, मतलब रैप वाली फीलिंग आती है। क्या बोला तूने? अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा और फिर मैं इसको बताऊँगा आपको इसका इस नोट का क्या काम का यूज़ है, मतलब इसका इस नोट का क्या यूज़ है, फिर मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। तो अब मैं इसको लगा दूँगा फिर पॉप फिल्टर। ये एक्चुअली होता किस लिए, हमारी आवाज़ को फै जब बिजी साउंड होती है, बिजी एक आपने देखा होगा माइक के हम उसके पास चले जाए फै फै करेंगे तो वो एक बहुत ऑकवर्ड सी साउंड आती है, उस चीज़ को हटाने के लिए ये यूज़ होता है। हाँ
चलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। कूल तो हमारा एयरपोर्ट फिल्टर पूरा अच्छी तरह लग चुका है। आएगा बोले देखते हैं फिर। हम नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करेंगे, इसे हमने ये सब लगाया तो ओके, ये वायर थोड़ी बची है, ये वायर आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अभी एक चीज़ बची है पर वो लगाने का फ़ायदा है नहीं है, मतलब आपकी मन की मर्जी है। एक ये बचा है आप देख सकते हैं, ये पॉप फिल्टर अगर लगा दो तो, मगर वही काम ये भी कर रहा है, वही काम ये भी कर रहा है, तो मैं नहीं समझता इसकी ज़रूरत है। तो बस हम इसकी वॉइस चेस करते हैं और बताते हैं कैसा लग रहा है। कूल, ये तो बात आई सारी कि हमने इसको सेटअप कैसे किया और लगाया कैसे, मगर अब मेन बात आती है कि हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे भाई, देखेंगे कहाँ, फोन में चल जाता क्या है? अरे कोई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा क्या इसके लिए? कैसा लगा मेरा मजाक? इन सारी चीज़ों का जवाब यहाँ है और यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसको अच्छी तरह अपने वोकल्स को अच्छा करें। ये वैसे काफ़ी सॉफ्टवेयर में चल जाता है, इसकी मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखी है फ़ोन की, कि लाइक ओटीजी छोटी वाली होती है उससे अटैच करके फ़ोन से कोई ऐप करके फिर उसमें चल जाता है, और नहीं तो आप मेरी तरह यूज़ कर सकते हैं। और कैसे वो आपको बताते हैं आगे, चलिए चाहिए एक लैपटॉप या फिर आपको फ़ोन भी चल जाएगा, नहीं तो मैं प्रेफर मानूँ तो लैपटॉप ही चाहिए। तो पहले तो मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करूँगा फिर आपको बताऊँगा। चलिए तो दोस्तों मैंने अपना लैपटॉप ऑन कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है उसका नाम है FL Studio, आपको पता होगा काफ़ी म्यूजिशियन यूज़ करते हैं और इससे अच्छी भी करते हैं, पर ये कहीं ना कहीं बहुत सही सॉफ्टवेयर भी है। आप स्टार्टअप करते हैं छोटी छोटी चीज़ समझते हैं, तो वही बस अब दिखाते हैं हम आपको FL Studio का इंटरफेस और इसको हम कनेक्ट करते हैं अपनी वॉइस अभी और इसमें क्या अंतर है वो बताते हैं। तो ये मैंने एक अपना एक इंटरफेस खोला नया, अब हम इसमें अपने वोकल्स डालेंगे और इसमें देखेंगे कुछ नहीं करना है, बस ये प्लग इन है। ये जो मैंने आपको पहले बताई थी स्टार्टिंग में, ये जो केबल है तो इसको हम यहाँ से सीधा इस पर पोर्ट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने अपना एक चार्जर भी लगा रखा है, छोटा स्पीकर है, इसको मैं इससे कनेक्ट करूंगा फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए मैं इसी बार इसको इंसर्ट किया और मैं यहाँ पर गया नॉन एज स्टूडियो पे और एक पहले पे, हेलो हेलो तो ओके गाइस, अब जो मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा वो उसकी होगी ना कि इस माइक की, तो फिर चलिए 1 2 1 2 and 3। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आपके लिए लाया हूं एक नई वीडियो जो आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देख रहे हैं जैसे मैं इसके दूर जा रहा हूँ तो आवाज कम होती जाती है, जैसे मैं इसके पास आ जाता हूँ तो आवाज बहुत गहरी गहरी हो जाती है। ओके, तो शायद मैंने रिवर्ब लगा दिया था उस पर, तो उसकी वजह से आपको डबल आवाज़ सुनाई देरी होगी, पर कोई नहीं, आप समझ गए होंगे कि माइक कैसे काम करता है, उसका रिवर्ब बंद कर दीजिएगा, ये तो ऑडियो वोकल्स के लिए बहुत अच्छा है, चल जाता है अच्छा, मतलब ये भी इसका माइक भी अच्छा है उसका भी अच्छा है। इन तीनों माइक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए मुझे कि इसमें उसमें और एक छोटा वाला लैपल माइक होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंट है और कौन सा सबसे बढ़िया रहता है, अभी देखते हैं आगे कैसे कैसे चलती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और
कुछ ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं आपको वैसे, मगर जितना दिखाया है काफ़ी, अनबॉक्सिंग दिखानी थी मुझे। तो ठीक है, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।